हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ मॉनसून स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। जी हाँ, इस स्किन केयर रूटीन में जितने भी स्टेप होंगे या जितनी भी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली है वो सारी सारी नेचुरल होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ना ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो है क्लींजिंग। तो जी हाँ दोस्तों, हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। फेस को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप पके हुए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हल्दी। आप इसमें कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तीसरी चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है लेमन। जी हाँ, हमें नींबू का यूज करना है। इसके हम कुछ बूंदे डालेंगे, हमें इस दूध को फाड़ना है। जी हाँ, इसका हम छेना यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लींजर है। जैसे बोलो तो फेस को डीप क्लीन करता है, आपके पोर्स को अंदर से क्लीन करता है। इसको यूज करने के बाद आपको किसी भी क्लींजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे लगा करके देखिए और मार्केट के जो क्लींजर आते हैं आप उसे इस्तेमाल करके देखिए, आप साफ फर्क खुद महसूस करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने दूध को फाड़ लेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसका पानी है वो ऊपर आ जाएगा और जो हमारा जो क्लींजर है वो नीचे बैठ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने जो दूध को फाड़ा था वो पूरी तरीके से फट चुका है और दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। जी हाँ, तो हमारा जो छेना है वो नीचे बैठ गया था। अब हम इसे फेस को क्लीन करेंगे। आपको इसी तरीके से करना है, आप चाहे तो कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हाथों का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके से हम इसे लेंगे अपने हाथों और फेस को क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं इससे मैंने हल्दी ऐड की। हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, रंग भी निखारती है। अगर आपके फेस पे बाल होते हैं, जिसे बोलो फेशियल हेयर्स होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होने वाला। जी हाँ, क्योंकि ये जो स्किन केयर रूटीन है मैंने स्पेशली ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वालों को ध्यान में रख करके ही बताया है, क्योंकि इन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें इस स्किन टाइप के लोगों को ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको फेस को क्लीन करना है। तो हम इसे कुछ देर के लिए लगा करके छोड़ देंगे, एटलीस्ट जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। हाँ दोस्तों, मैंने जो क्लींजर लगाया था वो आप देख सकते हैं वो ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे वॉश कर लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वेट टॉवल का यूज कर रही हूँ इसे क्लीन करने के लिए। आप भी मेरे तरह टॉवल का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन जो है सॉफ्ट भी हो जाएगी और आपके पोर्स भी अंदर से क्लीन हो जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो है स्क्रबिंग। जी हाँ, स्क्रबिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्किन केयर रूटीन में। तो जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है कॉफी। जी हाँ, हम इसमें कॉफी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इसमें एक चम्मच के करीब कॉफी पाउडर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एक चम्मच के करीब इसमें लिया है, इसमें थोड़ी सी मैं और ऐड करूंगी। इस तरीके से एक से दो चम्मच के करीब इसमें कॉफी पाउडर लेंगे। और दूसरी जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है मौसमी। जी हाँ, आपको मौसमी लेना है और इसे इस तरीके से जैसे मैंने कट किया है उस तरीके से कट करना है। अब मैं आपको बता दूं, आपको आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से मैंने हाफ पार्ट कर लिया है मौसमी का और इसमें हम इसमें डिप करेंगे ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से लग जाए जैसे मैंने इसे लगाया है। और आपको भी सेम इसी तरीके से लगाना है। अब आपको ने फेस पे इसे अप्लाई करना है जैसे मैंने बताया है, और हम इससे इसकी स्क्रबिंग करेंगे। जी हाँ, बात करूं कॉफी की, तो कॉफी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारे स्किन पे, सबसे खास वन जिनको एजिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है, बहुत अच्छा स्क्रबिंग का भी काम करता है। और बात करूं मौसमी, तो मौसमी में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, आपके स्किन के दाग धब्बों को ये लाइट करता है। स्क्रबिंग हमें 2 से 3 मिनट के लिए करना है मैक्सिमम। यहाँ दोस्तों, स्क्रबिंग हमारी हो चुकी है जैसे मैंने बताया, तो मैं यहाँ पे इसे क्लीन करने के लिए वेट टॉवल का यूज कर रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो है फेस पैक। जी हाँ, तो फेस पैक को बनाने के लिए मैं जो ले रही हूँ, सबसे पहले हम बेसन लेंगे। बेसन हम 1 से 2 चम्मच के करीब लेंगे। इस तरीके से आपको बेसन लेना है। उसके बाद दूसरी चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है क्लींजर जो मैंने बनाया था फर्स्ट स्टेप में। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका छेना बन गया है, तो हमें इस तरीके से इसमें ऐड करना है और इसका हम गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बढ़िया सा फेस मास्क बन करके तैयार है। ये मॉनसून के लिए फेस मास्क बहुत अच्छा है। बेसन के बारे में आप सब जानते हैं, बेसन कितना अच्छा होता है, रंग को बहुत अच्छे से साफ करता है। और बेसिकली ये जो
बेसन की बात करूँ तो ये उबटन की तरह भी यूज़ होता है, क्लिंजिंग का काम करता है, फेस पे जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करता है, आपके रंग को भी निखारता है, और जैसे मैंने बताया ये जो दूध का जो मैंने इस्तेमाल किया था एज अ क्लिंजर, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आपके फेस से ऑयल को रिमूव करेगा, जी हाँ, और आपके पोर्स जो क्लॉग हो गए थे उनको भी क्लीन करेगा। तो ये आपको इस तरीके से फेस मास्क को बनाना है, और लगाना बहुत ही आसान है, जैसे अपने सारे फेस पैक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो इस तरीके से अपने फेस पे फेस मास्क को अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मैंने फेस मास्क को लगा लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इस तरीके से फेस मास्क को लगा लिया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 15 मिनटों के लिए, ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैंने फेस मास्क को रिमूव कर लिया, और आप देख सकते हैं मेरे हाथों का रंग कितना ज़्यादा निखरा लग रहा है इस फेस मास्क को लगा करके, या बोलो स्किन के रूटीन को फॉलो करके। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है टोनिंग का। तो टोनिंग के लिए मैं सिंपल सा रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ। रोज़ वाटर की बात करूँ तो बहुत सारे बेनिफिट है, स्किन को फ्रेश ग्लोइंग बनाता है, आपके पोर्स को क्लीन करता है, आपको ठंडक देता है, और आपके फेस पे जो ऑयल होता है उसको भी रिमूव करता है। तो मेरे ख्याल से मॉनसून के लिए बेस्ट टोनर है। तो आप इसके जगह किसी भी ब्रांड का टोनर यूज़ कर सकते हैं, और लगाना बिल्कुल सिंपल है। आपको इस तरीके से कॉटन बॉल लेना है, उसमें हम इस तरीके से इसमें लेंगे और अपने फेस को हल्के हाथों से डैप करते हुए पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कुछ तरीके से अप्लाई करना है ताकि जो आपके पोर्स ओपन हो गए थे वो क्लॉग हो जाए। इस तरीके से हम डैप करते हुए पूरे फेस पे अपने टोनर को अप्लाई करेंगे, और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि स्किन में अंदर जब्स हो जाए। जी हाँ दोस्तों, टोनर हमारा जैसे मैंने बोला था ड्राई हो चुका है कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो है मॉइस्चराइजर का। तो यहाँ जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे सीजन को देखते हुए या मौसम को देखते हुए मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। मैं किसी भी तरीके का कोई भी मॉइस्चराइजर का यूज़ नहीं कर रही। आप इसकी जगह मेरा बनाया हुआ पपाया जेल जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा जेल है। अगर आप उसको नहीं बनाना चाहते या मार्केट का कुछ यूज़ करना चाहते तो आप इस पतंजलि एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत सारे बेनिफिट हैं, और मैंने इसके एक वीडियो में पहले भी बताया कि एलोवेरा जेल कितने सारे यूज़ है। और बेसिकली मैंने जो एलोवेरा जेल यूज़ किया था वो पतंजलि का एलोवेरा जेल था। तो आप इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, मल्टीपर्पज जिसे बोलूँ वो है, आपके दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपके रंग निखारता है, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो, रिंकल की, फाइन लाइन, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम को खत्म करता है। और अभी का जो फिलहाल जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा वाला है, तो इसमें अगर आप हैवी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं तो आपके स्किन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एक्ने के फॉर्म में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं मैंने एलोवेरा जेल लिया है, और इसे मैं अपने हाथों पे अप्लाई करूँगी। इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज कर लें और फिर इसे लगा करके छोड़ सकते हैं। आप इसे अपने अंडर आई एरिया में भी लगा सकते हैं, डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से हम इसे लगा करके छोड़ देंगे और थोड़ी देर में ये पूरे कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन, और आप देख सकते हैं मैंने जितने भी स्टेप आपको बताए बहुत ज़्यादा सिंपल थे। मैंने कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत ही सिंपल स्किन केयर रूटीन आप लोगों को दिखाया ताकि आप इजीली फॉलो कर सकें। और अगर आप इस तरीके से स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं स्पेशली मानसून में, तो आपकी स्किन मानसून में जितनी भी प्रॉब्लम होती वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन भी मानसून में ग्लो करेगी और आपकी स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो आएगा, किसी भी तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ हमेशा एक तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।